सो यो व्हाट्सअप के मैच कैसे हो सब लोग। तो ऐसे फिर से आ चुका है सभी लोग के लिए एक्साइटिंग सा वीडियो लेकर। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे राष्ट्र भाई की गेम प्ले की। आज से 3 साल पुरानी गेम प्ले की, आज से 2 साल पुरानी गेम प्ले की, और उस गेम प्ले की जिससे हमारे राष्ट्र भाई बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे हमारे बीच, और गाइस उस गेम प्ले की भी जो कि आज की डेट में उनका है। यानी कि गाइस आज हम लोग देखने वाले हमारे राष्ट्र भाई के गेम प्ले में कितने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि गाइस आज से 3 साल पहले वो कैसा खेलते थे और ये 3 साल से लेकर अभी तक वो कैसा खेलते हैं। क्या हमारे राष्ट्र भाई का गेम प्ले उतना ही ज्यादा फास्ट था आज से 3 साल पहले भी। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और गाइस ये मैंने नई सीरीज चालू करी है। सो गाइस आज मैंने सोचा कि क्यों ना यार राष्ट्र भाई के साथ ही शुरुआत की जाए, क्योंकि गाइस राष्ट्र भाई मेरे फेवरेट प्लेयर है, आप लोग को भी पता ही होगा। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, कहीं पर भी स्किप मत करना। तो गाइस इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कल मैंने टारगेट रखा था 5000 सब्सक्राइबर्स का। सो गाइस सर आप लोगों ने 5000 नहीं 6000 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दिए। सो गाइस आज हम लोग देखना चाहेंगे कि गाइस सर आप लोग कल तक मेरे 3,62,000 सब्सक्राइबर्स करवा सकते हो। तो गाइस अगर ऐसा हो जाए यार काफी ज्यादा मजा आएगा। यानी कि गाइस मैंने अभी आप लोग को टारगेट दे रखा है एक दिन के अंदर 6000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का। सो गाइस अगर आप लोग चाहो यार आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम हम लोग रखते हैं 15K लाइक्स का ओनली, आप लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अभी आप लोग ये जो गेम प्ले देख रहे हो ये हमारे राष्ट्र भाई का आज से 3 साल पुराना गेम प्ले है। और गाइस इस गेम प्ले में हमारे ज्ञान भाई, हमारे राष्ट्र भाई और हमारे टीएची जस भाई खेल रहे हैं। सो गाइस आप लोग खुश हो सकते हो, हमारे टीएची जस भाई, हमारे ज्ञान भाई और हमारे राष्ट्र भाई आज से 3 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सो गाइस अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गाइस सर आप लोग गेम कब से खेल रहे हो, और गाइस सर आप लोग का क्या वो फर्स्ट फ्रेंड जो हमारे गेम में मिला था आप लोग को फ्री फायर में मिला हुआ फर्स्ट फ्रेंड आज भी आपका क्या दोस्त है। सो गाइस वैसे मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मेरे गरीब भाई या तो हम लोग बात करें हमारे डेस्टर भाई, बहुत से पुराने पुराने दोस्त हैं जो कि यार आज से 3 साल पुराने दोस्त हैं। यानी कि गाइस मैंने जब से गेम खेलना शुरू किया था तभी से वो लोग मेरे दोस्त थे। गाइस अब बहुत से दोस्त थे मेरे, जैसे सुब्बा भाई, मान्या भाई, मैं कितने लोगों का नाम बोल सकता हूँ। तो गाइस आप लोग के कौन कौन दोस्त है आप लोग अपने दोस्तों का नाम जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ताकि यार अगर वो भी ये वीडियो को देख रहा होगा और आप लोग का कमेंट देखने के बाद वो भी सोचेगा कि हाँ यार भाई ये मेरे को अपना भाई मानता है, ये मेरे को अपना दोस्त मानता है। सो गाइस अभी हमारे राष्ट्र भाई के बारे में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये इतना ज्यादा पुराना गेम प्ले होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्र भाई इसमें कई ज्यादा ओपी लेवल का गेम प्ले करते हैं। और गाइस मैं मानता हूं मैंने ये वीडियो को म्यूट किया, लेकिन गाइस सर इसमें हमारे ज्ञान भाई ने बहुत ज्यादा तारीफ करी हमारे राष्ट्र भाई की। और गाइस मैंने म्यूट इसलिए किया है क्योंकि गाइस इसमें हमारे जस भाई और हमारे ज्ञान भाई बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे, मतलब लिटरली काफी ज्यादा गालियां दे रहे थे। सो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको म्यूट ही कर लिया जाए, लेकिन गाइस हमारे ज्ञान भाई हमेशा बीच बीच में बोल रहे थे जब हमारे राष्ट्र भाई एनिमी को मार रहे थे या तो एनिमी के सामने तक जा रहे थे तो यही बोल रहे थे कि तेरा बाप आ गया, तेरा बाप आ गया। सो गाइस सर आप लोग उसी चीज से सोच सकते हो कि हमारे ज्ञान भाई के आज से 3 साल पुराने फ्रेंड यानी कि राष्ट्र भाई उस समय भी काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर मानते थे हमारे ज्ञान भाई उनको। यानी कि गाइस सर आप लोग को भी पता है कि आप लोग का एक ना एक दोस्त ऐसा होगा जिसके साथ यार आप लोग का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा बैठता है, और गाइस सर आप लोग हमेशा उसकी फ्रेंड की तारीफ भी करते हो कि भाई तेरा गेम प्ले हमेशा अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है वो लगता है। वैसे ही गाइस सर हमारे ज्ञान भाई तारीफ करा करते थे हमारे राष्ट्र भाई की। सो गाइस आप लोग को भी पता है हमारे राष्ट्र भाई और हमारे ज्ञान भाई कितने ज्यादा अच्छे फ्रेंड है। और गाइस इन लोग को साथ में खेलते देखना, इन लोग को साथ में मस्ती करते देखना, इन लोग को साथ में 1v1 करते देखना हम में से हर एक बंदे को पसंद आता है। सो गाइस अभी आप लोगों ने हमारे राष्ट्र भाई का आज से 3 साल पुराना गेम प्ले देखा है। तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले हमारे राष्ट्र भाई की आज से 2 साल पुराना गेम प्ले, यानी कि गाइस इनका वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीडियो, सेकंड ओल्डेस्ट, यानी कि गाइस इससे भी पुराना एक वीडियो था, लेकिन गाइस सर उसमें कुछ खास गेम प्ले मुझे लगा नहीं। सो गाइस मैंने सोचा हमारे राष्ट्र भाई का जिसमें काफी ज्यादा ओपी गेम प्ले होगा उसी को मैं लेके आऊंगा। सो गाइस हमारे राष्ट्र भाई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम प्ले है, और यार ये आप लोग को उनके चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप लोग खुद देख लीजिए गाइस सर उस समय यानी कि आज से 2 साल पहले भी हमारे राष्ट्र भाई का गेम प्ले कितना ज्यादा फास्ट हुआ करता था।
और गाइस बहुत से लोग यार जो कि नए नए ड्रैगन मारना सीखते हैं, नई नई फास्ट ग्लू वॉल लगाना सीखते हैं, उनसे भी ज्यादा बेहतरीन हमारे राष्ट्र भाई खेल रहे हैं। और गाइस ऐसे तो बहुत से बंदे जो कि यार अभी भी हमारे राष्ट्र भाई के बराबर नहीं खेल सकते, यानी कि गाइस सर आज से 2 साल के पहले गेम प्ले का अगर हम लोग कंपेयर करें आज के गेम प्ले का उनका जो उनके हेटर्स है यानी कि राष्ट्र भाई के हेटर्स है उनका गेम प्ले आज भी उतना ज्यादा फास्ट नहीं है। सो गाइस एक बार यार हमारे राष्ट्र भाई के इस गेम प्ले के लिए हैशटैग राष्ट्र तो बनता ही है, क्योंकि गाइस सर इसके बाद आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं हमारे राष्ट्र भाई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड गाइस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीडियो जिससे हमारे राष्ट्र भाई स्टार बने, यानी कि गाइस राष्ट्र भाई के पीछे जो नाम के पीछे स्टार लगाए वो सही मायने में स्टार बन गए थे, यानी कि गाइस उस गेम प्ले के बाद से एक सही मायने में हमारे राष्ट्र भाई जाने जाने लगे एक ऐसे नाम के लिए जो कि यार आज भी वो मशहूर है, यानी कि स्टार का स्टार राइस्टार। सो गाइस सर आप लोग ये जो गेम प्ले देख रहे हो ये हमारे गेम प्ले आया था 2B गेमर की स्ट्रीम से, और गाइस सर लाइव स्ट्रीम के दौरान हमारे 2B गेमर की लाइव स्ट्रीम के दौरान हमारे राइस्टर भाई ने इतना ज्यादा OP गेम प्ले दिखाया था कि गाइस सर मैं आप लोग को क्या ही बोलूं। उधर से हमारे राइस्टर भाई के बहुत से लोग फैन तक बन गए, बहुत लोग मतलब क्या ही बोलूं गाइस, बहुत सारे लोग उनके फैन बनने लग गए। लेकिन गाइस उसके बाद आया एक ड्रॉप, एक मतलब बहुत ज्यादा गंदा ड्रॉप आया जिससे हमारे राष्ट्र भाई के फैन तो कई ज्यादा बन रहे थे लेकिन उसको देखकर बहुत से लोगों की जलने लगी, यानी कि गाइस सर उनके हेटर्स बनने लगे, और जो उनके हेटर्स बनने लगे वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर्स। सो गाइस उनको काफी ज्यादा हेट इसलिए मिलने लगी क्योंकि गाइस सर हर एक बंदा राष्ट्र भाई को हैकर प्रूफ करने लग गया। और गाइस अगर मैं सोचता हूँ ना उस समय के टाइम की, आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि यार उतने टाइम पहले से गेम खेलते आ रहे हो और यार उतने टाइम पहले से यूट्यूब कम्युनिटी में आप लोग एक्टिव हो गए। सो गाइस आप लोग को भी याद होगा उन यूट्यूबर्स का नाम जो कि यार हमारे राष्ट्र भाई को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। सो गाइस मैं अगर सोचता हूँ ना उस टाइम की बात की तो गाइस मुझे उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हंसी भी आती है कि गाइस सर उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला था, हमारे राष्ट्र भाई को हैकर क्यों प्रूफ करने में लगे हुए थे, क्योंकि गाइस सर उस टाइम के चक्कर से हमारे राष्ट्र भाई की वीडियोस में काफी ज्यादा डिसलाइक आने लगे और गाइस सर कई बार तो हमारे राष्ट्र भाई ने अपनी वीडियोस को खुद ही डिलीट कर दिया, यानी कि गाइस उन्होंने 4-5 वीडियो डाल दी थी, इतने डिसलाइक आने लगे स्टार्टिंग में ही जब उनके यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग हो रही थी उसी समय इतने डिसलाइक आने लगे कि गाइस उन्होंने अपनी खुद की वीडियोस को डिलीट कर दिया, या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं प्राइवेट कर दिया, मुझे अच्छे से नहीं पता। लेकिन गाइस आप लोग को मैं सच ही बताना चाहता हूँ, ये बात मैं आप लोग को सच बताना चाहता हूँ कि यार उन लोगों के चक्कर से आज भी हमारे राष्ट्र भाई को काफी ज्यादा हेट मिलती है। लेकिन गाइस अब वो हेट हल्के हल्के कम हो चुकी है। लेकिन गाइस अगर एक बंदा अपने गेम प्ले के जरिए फेमस हो रहा है, अपनी मेहनत के जरिए फेमस हो रहा है, सो गाइस उसको हेट मिलना काफी ज्यादा बुरी बात होती है। तो गाइस आप लोग को क्या वो दिन याद है या तो नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना। सो गाइस अभी ये जो आप लोग गेम प्ले देख रहे हो हमारे राष्ट्र भाई का प्रेजेंट का गेम प्ले है, और गाइस इन्होंने बोला है कि इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ चलो। तो वैसे तो गाइस मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, मुझे पता है इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन गाइस अगर मेरी तरफ से 1000 या तो 2000 लोग भी उनको जाके सब्सक्राइब कर देते हैं सो गाइस मेरी तरफ से काफी ज्यादा बड़ी बात होगी। सो गाइस जितने भी बंदे हमारे राष्ट्र भाई को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो जाके यार हमारे राष्ट्र भाई के चैनल को चेकआउट करो, आप लोग को यूट्यूब पर जाके सर्च करना पड़ेगा राइस्टार और यार इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस हमारे राष्ट्र भाई चाहते हैं उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। सो गाइस हम सभी के सभी राष्ट्र भाई के फैंस उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर उनके लिए करवा के देंगे। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस सर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना। तो गाइस अगली वीडियो आप लोग किसके ऊपर देखना चाहते हो ये भी मुझे जरूर से बताना, और गाइस सर आप लोग मुझे बुइया पे जाके फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम, ये रही मेरी यूजर आईडी। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि गाइस मैं इंस्टाग्राम पर कभी भी लाइव आ सकता हूँ, अपने फेस कैम के साथ आप लोग को अपना चेहरा दिखा के लाइव आ सकता हूँ। सो गाइस आप लोग जरूर से जाके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ये रहा मेरा यूजर नेम। सो गाइस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है सो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम आप लोग को मैंने बताई रखा है 15,000 लाइक का है, और गाइस सब्सक्राइबर अभी हम लोगों ने टारगेट रख रखा है 6,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। सो गाइस देख पाते हैं कि हमारी लूफी फैम इसको कंप्लीट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सो गाइस फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक अकेले पीस आउट।